सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्री राम बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय श्लोकी दुर्गा शिवोवाच देवीदं भक्तसुरे सर्वकार्यभिदायिनि कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यन्नरः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे च साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बः श्रुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिहे अणुशवछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रेत्यसाम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवती हसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यति। दुर्गे स्मिता हर्ष वेदमशेषयन्तो स्वस्ते स्मिता मतिमति वशुभां दधांसि दारिद्र दुःख वयहारिणिका सुधन्या सर्वोपकार करणाय सदा ध्वजित्वा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे दम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगानशेषानपहांश्चतुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानवेष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नरानां त्वामाश्रितायाश्रयतां भयन्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा श्रोतरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शनुष्व कमलानने जस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रेता भवेत्सदे। ॐ सदीसाध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी कार्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारणे जित्वा चण्डघण्टा महादभा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचिदिः सर्वमन्दमयी सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्दा भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शाम्भवे देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक भर्णा च पाटला पाटलावति पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी
बन दुर्गा च मातंगी मतंगा मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषागतिः विमलोदकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिवा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्ब शुम्ब हननी महिषासुरमर्दनी मधुकेत वहन्तेज चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्य धारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैव कन्या च केशोरी युवतीयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च विद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्रि प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायिदं प्रपथे नित्यं दुर्गा नाम श्रुताश्रुतं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुखं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्दे लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे परिहा भक्त्या पठे नाम शताशकम् तस्य सिद्धे भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतं जान्ति राजश्रियमवाप्नुयात् घोरजनालक्ष्मकुमकुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्तरेण विनिग्रयन्नं विधिना विधिज्ञोपवेशदाधारयते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे सर्वेषां गते विलिख्यं प्रपदे स्वतं भावभे संवदां वदाम् ॐ। प्रातःकालीन आरती के इस पवित्र बेला में आप सभी भक्तजनों का माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के दरबार में अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय इस पवित्र गुफा में पूज्य पुजारी जी द्वारा पिंडियों के रूप में विराजमान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी की पंचामृत और वैदिक मंत्रों द्वारा शोषोपचार विधि से पूजा की जा रही है। इस समय मनुष्य ही नहीं अपितु देवतागण भी देवलोक से उतरकर अपना सूक्ष्म रूप धारण करके करवत होकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना ध्यान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के चरणों में ले जाएं और भक्ति भाव से इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्यः कवचम् ॐ अस्य श्रीदण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोऽप्यमातरो भीजम् दिगवन्द देवता सद्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यते सप्तशति पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ जल्भूयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निनां चिन्नकश्चिदाघातं तन्मे भूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्तिकुर्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासोकवचं पुण्यं दर्शनिष्व महामने प्रथमं शैलभुक्तिज द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माडेति यदोदकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाश्रमम् नवमं सिद्धिधात्री च नव दुर्गः प्रकेतिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना देह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे देव व्यातः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभवर्णनसङ्कटे
नापदं तस्य भज्यामि शोक दुःख वयम् नहि येषु वद्यास्मिधानूना तेषाम् हृद्येपयायते ये त्वान्तग्रन्थि देवेशि रक्षसे दान संस्यः प्रेतसञ्जातजामुण्डा वाराहिमहिषासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारीशुकिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी विशवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णसौवर्ज्य नानारत्नोवशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिफलं जामुदरायुधम् खेटकं दोमरं दैव पशुं भाजमेव च कुन्तायुधं दशोलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् देव्यानां देहानाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां जहिताय वै नमस्ते सोमहारोचे महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने राहि मां देवि धुष्पेशे शत्रूणां भयवर्धने प्राज्ञां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नियामग्निदेवता दक्षिणेवातु वाराहि नैरित्यां खड्गधारणे पतिज्यां वारुणे रक्षे वायुभ्यां मृगवाहिने उदिज्यां पातु कौमारी ईशानां शूलधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दशो रक्षे जामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पादो विजया पादो पृष्ठतः आजिता वामभाषेतु दक्षिणे जापराजिता शिखामुद्धोदिनी रक्षे उमामोदिनी विवर्तिता मालाधरी लढातेज भवो रक्षे युभस्वनी त्रिनेत्रा चोपवर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनि चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोद्वारवासिनि कपोलौ कालिका रक्षे कन्नमूले तु शङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च जर्जिका अथ तेजामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षत कौमारी कण्ठधेशे च जण्डिका दण्डिका यच्च घण्टा च महामाया च तालके कामाजीजमुखं रज्जे वाचं हे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभञ्जे रनोदरे नीलग्रीवावहि कण्ठे नलिकां नलको हरि सगन्ध्यो खड्गनीरज्जे बाहुमे वज्रधारणे हस्त्योदण्डने रज्जे अम्बिका जागरेशज नखाञ्जुरेश्वरी रज्जे ध्वजो रज्जे गणेश्वरे सणो रज्जे महादेवी मनः शोकविनाशने हृदये ललिता देवी अदरे शूलधारिणि नवोजगामनि रज्जे गुह्यां गुह्ये जयि तथा पूतना कामिका मेडं बुधे भेषवाहिनी कट्यां भगवती रज्जे चाञ्जुनि विन्दवासिनि जङ्गे महावला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गुल्फे नारसिंही च पादपृष्ठे स्वदेशसे पादाङ्गुलेषु श्रीलक्षे पादादस्तलवासिनि नखाद्रष्टाकराणि च केशां देवादकेशनि रोमकोपेश गोभेरि त्वजं भागेश्वरि तदा रक्तमज्जावसामादनति मेदान्ति पार्वते अन्त्राणि गारहति च वित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मापदेवलं गोधे कवे चोरामणि तथा ज्वालामगे नखज्वालामवे ध्यानवसन्द च शुक्रं ब्रह्माणि मेरजे छायां सत्येश्वरे तथा अहङ्कार मनो बुद्धि रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापाणौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणम् कल्याणशोभना रसे लोपे च गन्धे च शब्दे वज्रे च योगनि सत्त्वं नयस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यथा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनविद्यां च चक्रणि घोटमिन्धानि मे रक्षे वजो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभदा रक्षे मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता
रक्षाहीनं जयस्थानं भजितं गजेनद तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशने पशुमेकं न कश्चेदो यदि शेषुपमात्मनः वशेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्रावश्च विहासार्वकामिकः जं जन्द्रियते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरेण मधुरं प्राप्यते भूतलेव मान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामे सुपरायितः त्रैलोके तुभे पूज्यः कवचेनाभिधावमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापठे भयदो नित्यं त्रिसद्यसद्यानिविदः देवी कलाभेदस्य ते लोकेश पराजितः जीवे वर्षणां साग्रामपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे दूतापि स्फोरकादयः सान्त्वनं जङ्गमं देव कृत्रिमं चाभियर्दिशम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतलः केचनाश्चैव यलयाश्चोपदेशिका साजाकुलयामाला ढाकणी ढाकणी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्या च महाबला गह भूतपिशाचा च यक्ष गन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसभेदालः कुष्माधावेरवादयः नश्यन्ति दर्शनादश्च कवदेः संस्थिते मनोनितिर्भवेराज्ञस्ते चो वृद्धे गलम्बरम् जससा वर्तते सोऽपि कीर्तिमन्दितबोधरे जपे सदृशते जन्धिम् कृत्वा सुकवजम्बराम् जावत् भूमण्डलम् दत्ते शशैलवनगाननम् तावतिष्ठति मेदिन्या सन्दर्हे पुत्रबोधके देहान्ते परमं स्थान यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशरीवाष्टाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्गण्डेयोवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकारि भद्रकारि कपालिनि दुर्गाधना शिवा धात्री स्वाहा सदा नमास्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते मधुकेटवभिद्रावे विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोजहि महिषासुरनिर्नासि भक्तानां सुखदे नमः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवदे देवि चण्डमुण्डविराजने अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य दुम्रायस्य समर्धनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि बन्दिनानि युहे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि असिन्दरोपजरिदे सर्वशत्रो विनाशने अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दलितापहे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि चण्डिके सततं जेतामर्जयन्ति ह भक्तितः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि वदेहि दुष्टाम्नाजं वदेहि बलमुच्चकैः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि वदेहि देवि कल्याणं वदेहि परमाश्रयम् अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि सुरासुरसिंहरत्नानि कृष्णचरणेऽम्बिके अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिलोयहि विद्यावन्दं यशस्वन्दं लक्ष्मीवन्दं जनं कुरु
रूपम देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि प्रचंड दैत्य धर्वग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपम देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि चतुर्भुज जलभद्र संसुदे परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि कृष्णेना संसुदे देवी सुस्व भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि हिमाचल सुधानाथ संसुदे परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि इन्द्राणी वद सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि देवी प्रचण्ड चोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि देवी भक्त जनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि पत्नी मनोरमां देहि मनोभृत्तानुसारिणीं कारणे दुर्ग संसार सागरस्य गुरोद्भवाम् इदं दोत्रं पठे द्वारो महादोत्रं पठे नरः सदो सप्तशते संख्या परमापणोति संबला ओम अथ कीलकम् ओम अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्टव छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा वेतसं सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ विशुद्धगानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेया प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्तधारिणे सर्वमेतद्यानीय मन्दानाम भगिनकम् सोऽपि देवमभाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्धन्दजाननारीणि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुक्ष्मां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धमन्दो नौषधं तत्र न किञ्चित् विविच्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामि मामरः केतानि मन्दयामास सर्वमेवमिदं शिवम् स्तोत्रं हे गञ्जिकायातो लज्जगुप्तं जगारसः समादेन जन्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणाम् सोऽपि मम भाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दशमष्टम्भ्यां वा समाहितः दधाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशामसीदति एतं रूपेण गीलेन महादेवेन गीलितम् ज्योतिष्क्रियां विधायेनं नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धः लागणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देववदत्तस्य भयं कापि हयायते नाम मृत्योऽयं जाते मिदो मोक्षावाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुर्वीत न कुर्वानो विनश्यति ततो ज्ञातमेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवतैः सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शुभम् सन्यस्तो याप्यमानेऽस्मि स्वस्तैः सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् एषयं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दनी स्तोत्रम् हरिगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासिनि Oh,
Yeah.
सभी भक्त जनों से निवेदन है कि इस पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिए। श्री भगवती स्तोत्रम जय भगवती देवी नमो Bye.
निरालंबो
वरने विशदे मनु वरने वर मेरा जना को जाने ते जननी अपने जप मेध चिदा भस्मारे को घर पटधरम जटाधारी कंदे भुजग बदिहारे बजबदे कपाली भूतेशो भयति जगदीशे कहदवे भवानी तत्पानी ग्रहण परिपाटे नमो शाक्षा विभवान में नमे ज्ञानापेक्षा शशि मुगे दुगे जाते जननी तो मम वे मृणानी रुद्राणि शिव शिव भवानी ते जपता नारादिदास विधिना विविधोपचारे किमलोक्ष चिंतन परे अगितं भजोमि श्यामे त्वमेव यदिके जनमै जनाथे धर्षे कृपा मुचितमं भवरं तवेव आप सुमग्नः स्मरणं तदेयं करोमि दुर्गे कर्णानवेशे नेताश्रत्वं भम भावजेतः क्षुधाति शाता जननी विचित्र मंत्र किम परिपूर्णा कर्णाशिजन्मये अपराध परम परा परम नाहि माता समुपेक्षते सुतम मस महापाद के नास्ति पापनीतस्तमान एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। अंतिम श्री लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानी भियन्ते हरनिश मया धात्वयमिति माम त्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पुरेश्वरी जल्पोदितं मया देवी परिपूर्णं ददस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति योजरेत् जाम्बरे समवापनोति न त्वां ब्रह्मादयः सुराः स्वापराधोऽस्मि शरणं प्राप स्वां जगदम्बिके इदानीमनुगम्योऽहं जतेशसे तथा कुरु अज्ञानाधिस्मृते भ्रान्त्यां यज्ञोऽहमधिगन्धृतां तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सचिदानन्दविग्रहे ध्यानचामि मां प्रेत्य प्रसीद परमेश्वरी भूयादि गोपी त्वं गृहाणां
स्मृतिदाम सिद्धिर्भवतु मे देवी वज्रसादासुरेश्वरी सचिन ज्योतिर्भवे माता निरीथलाहि शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा हिज सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा हिज बोलो सच द्रवाहि की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्ति जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके आरती की परम पवित्र वेला में माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय वसंतिक नवरात्र चल रहे हैं, बड़ा ही उत्तम समय है। साधक जो हैं, जब भी कोई शुभ कर्म करना होता है उसके लिए विचार करते हैं समय का, स्थान का, कि कहां पर जाकर के इस प्रकार कैसे शुभमय वेला में जो है, शुभ दिनों में जाकर के हम पुण्य अर्जित करें, सत्कर्म करें, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, तीर्थाटन करें, तो जी विचार किया जाता है। और इस जगजननी जगत माता की कितनी कृपा होती है अपने भक्तों पर, कि जिन्हें जो है ऐसे शुभ समय में, इस समय वसंतिक नवरात्र चल रहे हैं और माँ भगवती के जी 9 दिन नवरात्र जो होते हैं ये बड़े विशेष दिन होते हैं। 9 दिन की साधना, विशेष शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं, जिसमें भक्तजन जो हैं भगवती की उपासना करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, शाखा रोपण करते हैं, माँ भगवती के प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, भजन करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, जिस प्रकार से ये शक्ति अर्जित करने के लिए, शक्ति कि शारीरिक शक्ति, हम शरीर से निरोगी रहें, रोगों से मुक्ति प्राप्त हो, इस प्रकार से निरोगी जीवन प्राप्त हो, धन शक्ति के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए, ज्ञान शक्ति के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, अन्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए जो है माँ भगवती की शरणागत होकर के जे 9 दिन भक्तजन जो है अपने अपने घरों में, देवालयों, मंदिर में जाकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं कि भगवती की हम पर कृपा हो जाए, उस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, जिस आशीर्वाद से हम कल्याण को प्राप्त हो सके। माँ भगवती के 9 रूप जो है, जिनमें प्रतिदिन जो है एक इस रूप का ध्यान करते हुए साधक जो है माँ भगवती की साधना में अग्रसर होते हैं। आज भगवती के उन 9 रूपों में चौथा स्वरूप जो है चतुर्थ नवरात्र है, वसंतिक नवरात्र जो है, और चौथा स्वरूप जो है जे माँ भगवती कुष्मांडा देवी का है। कुष्मांडा देवी जो है इस मंद मंद हास्य से इसी भगवती ने जो है ब्रह्मांड को कहते हैं, और इसकी रचना करने के कारण से जे माँ भगवती कुष्मांडा कहलाई।
ईश्वर मंद मंद हास्य से जो है इन्होंने इस सृष्टि की रचना की, इससे पूर्व जो है सृष्टि का अस्तित्व जो था वह बिल्कुल नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, जल ही जल था। और उस समय कहते हैं कि ईश्वर हास्य से, मंद मंद हास्य से इसी भगवती ने जो है कुष्मांडा देवी ने माँ ने जो है इस जगत का निर्माण किया था। इसका निवास स्थान जो है जिस सूर्य मंडल में ही, सूर्य मंडल में निवास करने की शक्ति जो है इसी भगवती में ही, और जय भगवती जो है सभी देवताओं की, ऋषि मुनियों की, संतों की, सबकी जो है जय भगवती जी रक्षा करती ही, शत्रु विजय दिलाती ही, महिषासुर निर्नाश से भक्तानां सुखदेव नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर का नाश करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले हे देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध शत्रु का नाश करो। इस प्रकार जी भगवती का जो ऐसा जो रूप जो है, अष्टभुजा इनके हाथ ही और सब हाथों में जो है इस प्रकार से यह अमृत करमंडल ही, इनके हाथ में जो है सब प्रकार के अष्ट सिद्धि नव निधियों को देने वाले जप माला ही, अन्य ने हाथों में जो है इनके जो है गदा है, चक्र है, जो है धनुष है, बाण है, कमल पुष्प है, इस प्रकार से सिंह के ऊपर जो विराजमान है, ऐसा जिसका स्वरूप जो है जे भक्तों का कल्याण करने वाला ही, सब ओर से जी सब प्रकार के सिद्धि सिद्धियों को देने वाला जो स्वरूप जो है, आज के दिन जो है इसी स्वरूप का स्मरण करते हुए भक्तजन जो है अपने जो है भगवती का जो है जो चौथा स्वरूप जो है कुष्मांडा देवी का, आज के दिन इस रूप का ध्यान करते हुए साधक जन जो है अपने मन की स्थिति जो है जे अनंत चक्र में ले आते हैं। अनंत चक्र जो है इस वर्ष में मन को स्थित कर करके माँ भगवती का स्मरण करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवती हम भक्तों के कष्टों को, दुखों को दूर करना, रोग से मुक्ति देना, शत्रु विजय प्राप्त कराना, और इस प्रकार से जे समस्त अन्य शक्तियों को भी आप हमें देना, क्योंकि आप ही जो है अस सिद्धि नव निधि की दाता है, और इन सिद्धियों को, इन जो निधियों को देने वाली आप ही हैं। अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वत वश्यवादि, ये आठ प्रकार की सिद्धि जो है, और ब्रह्म वर्त पुराण में ये सिद्धि जो है यह 18 प्रकार की बतलाएगी ही, और इन सिद्धियों को, इन शक्तियों को देने वाली ये भगवती है जिसके चरणों में आप विराजमान ही, और ये भगवती सब ओर से भक्तों का कल्याण करती ही, तो आप बड़े ही भाग्यशाली ही। जब भक्तों को बसंत नवरात्र के अवसर पर जो है आज चौथे नवरात्र के इस पवित्र वेला में आरती के समय जो है माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही, बसंत चतुर्थ नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को माँ वैष्णो देवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और माँ भगवती आप भक्तों का सब ओर से कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। देव्या जया तत्मिदम जगदात्म शक्तया निशेष देव गण शक्ति स्मह मूर्तया ताम्बिका अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नता संविद्धातो सुभाणि सानः। देव्या जया तत्मिदम जगदात्म शक्तया के भगवती माँ संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है, सभी देवताओं की शक्ति का समुदाय जो है जिसका स्वरूप है भगवती, जिस देवी ने अपनी शक्ति से इस संपूर्ण जगत को जो है जे व्याप्त कर रखा है, ये कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है इसी माँ भगवती के सब के अंदर मंगलमय शक्ति जो है जो वासित हो रही है, और इसी देवी की शक्ति से ही हम सभी संपन्न होकर के सब प्रकार के कार्य करने में जो है बस सफल होते हैं। देवताओं और महर्षियों की पूजनीय सभी देवगण और जो है ऋषि मुनि जो है आप माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, हे माँ भगवती आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है कि माँ हम लोगों का आप कल्याण करें, सब ओर से भक्तों की रक्षा करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। जस्या प्रभा मतलब घनंतो ब्रह्मा हरष न ही भक्त मलम भलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चा शुभस्य भयम शुभस्य मतिम करोतु। के भगवती माँ जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में जो है भगवान शेषनाग
ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें, बस सब ओर से हम भक्तों की रक्षा करें। हे भगवती माँ, जय श्री स्वयं सुख दिनाम भवन लक्ष्मी पापात्मन कृतियम हृदय बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रवस लज्जा ताम ताम नतः स्म परिपाल देवी विश्वम। के भगवती माँ, जय श्री स्वयं सुख दिनाम भवनेश लक्ष्मी। के भगवती माँ, जो पुण्यात्म घरों में जो है स्वयं जो है लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है, जो पुण्यात्मा जो है जिनके घरों में प्रतिदिन जो है भगवत की आराधना होती है, माँ की ज्योति जगाई जाती है, माँ की आरती की जाती है, अतिथि सेवा होती है, बड़ों का मान सम्मान होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन होता है, इस प्रकार से जिस घर में ऐसे पुण्य कर्म होते हैं उस घर में जो भगवती लक्ष्मी के रूप में विराजमान होकर के अवधियों को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, शांति देती है और सौ वर्ष उन भक्तों का कल्याण करती है। पापियों के घरों में ये दृढ़ता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है उस माँ भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी संपूर्ण विश्व का जो है पालन करें और सब ओर से सबका कल्याण करें। उस जगजन्य जगत माता की चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं आपको बता रहा था कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिसका स्वरूप है वह भगवती जो है, जिसने अपनी शक्ति द्वारा सारे जगत को जो है व्याप्त कर रखा है और जो देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है ऐसी भगवती। तो कहते हैं कि जिस समय महिषासुर का जो है इस पृथ्वी पर जो है इतना आतंक फैल चुका था, तीनों लोग जो है त्राही माम पुकार रहे थे, ऐसे में सभी देवता ऋषि मुनि संत महात्मा जो नर नारी सभी जो उसके आतंक से इतने भयभीत थे, दुखी थे। और उस समय कहते हैं कि पृथ्वी माता भी महिषासुर के पाप से उसके अत्याचार से जो है वह भी प्रकंपित होने लगी, भयभीत होने लगी। अब क्या होगा, इतना पाप जो पृथ्वी बढ़ गया है, पृथ्वी माँ को जो है कभी जो है अपनी संतान का भोजन लगता, परंतु जब संतान पाप करती है वह पाप जो माँ से सहन होता नहीं। इसलिए जो सदा सर्वदा जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए और एक दूसरे के साथ जो है प्रेम भाव मैत्री भाव रखते हुए कभी किसी से द्वेष न करें और इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस शक्ति की उपासना करते हुए वही साधक जो कल्याण को प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार से धर्म का कभी त्याग नहीं करते। तो जब पाप बढ़ जाते हैं तो माँ भी जो है वह पाप जो सहन नहीं कर पाती। जब पृथ्वी माता कहते कि उस समय इसने गौ माता का रूप धारण किया, ब्रह्मा के पास गई और कहा कि अब मुझसे ये पाप सहन नहीं होता, ये सब नहीं देखा जाता। तब जो है ब्रह्मा जो है पृथ्वी माता के साथ जगे, भगवान शिव के पास वहां जाकर के उनसे गौ माता का दुख जो सुनाया कि इस प्रकार से ये गौ माता इतने अत्यम ऐसा सब का इतना अत्याचार बढ़ चुका है और इस किस प्रकार से जो है आप जो है पापियों का नाश हो, आप कोई उपाय बतलाइए, कुछ कीजिए। तब भगवान शिव जी उनके साथ अन्य देवगण इंद्रा देव जी है सभी जो इकट्ठे होकर के उस स्थान पर चले गए क्षीर सागर में, जहाँ पर भगवान विष्णु सेचना के सज्जा पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर के सब देवताओं ने जो है भगवान विष्णु की स्तुति की और उसके बाद भगवान विष्णु ने पूछा क्या कारण है। तो उन देवताओं की सारी कर्दूत जी थे देवताओं ने ब्रह्मा ने बतलाई। तब जो है कहते कि भगवान विष्णु को देवताओं में बड़ा क्रोध हुआ, उन्हें क्रोध आया देवताओं पर। जब क्रोध आया अन्य देवताओं ने भी जो है देवत्व पर क्रोध किया। जब क्रोध किया तो सभी देवताओं के शरीर से अलग अलग तेज निकला, वह तेज जो था एक पुंज के रूप में परिणत हुआ जो देखते देखते जिसने एक नारी का रूप धारण कर लिया, शक्ति का रूप धारण कर लिया। वही नारी माँ वैष्णवी कहलाई महिषासुर मर्दिनी। अभी आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जो पाठ किया है, इस पाठ से जो है मनुष्य पाए मनुष्य जो शत्रु विजय प्राप्त करते हैं, रोगों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और उसके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। जो भी मनुष्य कामना होती है जो इस प्रकार प्रतिदिन जो है इस स्तोत्र द्वारा भगवती स्तवन करते हैं उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो उस समय जो भगवती जो थी यहाँ
एक नारी के रूप में जो है समस्त देवताओं के तेज शरीर से जब तेज निकला और एक पुंज के रूप में परिणत हुआ और देखते देखते जिसने नारी का रूप धारण किया जो माँ वैष्णवी कहलाई और जो भगवती जो है इसकी सभी देवताओं ने ऋषि मुनियों ने उस समय पूजा की। सबने पूजा की कि जो देवता ऋषि मुनियों के द्वारा पूज्य है मान्य है तो सबने इसकी पूजा की माँ की स्तुति की और सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र जो थे माँ को प्रदान की। तब माँ ने कहा कि अब निश्चिंत हो जाइए। कहते क्षण मात्र में ही माँ भगवती ने जो है महिषासुर सहित जो है देवताओं की सारी सेना जो थी बस समाप्त कर दी। क्योंकि जो भगवती जब क्रुद्ध होती है क्रोधित होती है न जाने कितने कुलों का सब नाश कर डालती है। देवता ने उस समय माँ की स्तुति करते हुए कहा कि अब हमें पता चला है कि क्रोध में जो है आपने आकर के अब सारे शत्रु का जो है आपने नाश कर दिया है। हे माँ हम जब जब भी आपका स्मरण करें आपका ध्यान करें हमारी रक्षा करना और मृत्यु लोक में जो भी भक्तजन आपकी उपासना करें आपकी आराधना करें आपकी पूजा करें हे माँ उनके मनोलक्षित कामना को पूर्ण करना और अपने उन भक्तों की सर्वत्र रक्षा करना। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं अपना वृद्धि चाहते हैं अपनी उन्नति चाहते हैं परिवार में खुशहाली चाहते हैं परिवार में अति संवर्धन चाहते हैं अपने जीवन यात्रा सुख चाहते हैं उन्हें प्रजतन पूर्वक माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना माँ की अर्चना माँ की पूजा जो है अवश्य करनी चाहिए। जो बड़े सब समय आपको जो प्राप्त हुआ है क्योंकि जहाँ पर सभी भक्त इकट्ठे होकर के ऐसे पवित्र स्थल पर बैठ करके प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना माँ भगवती अवश्य किसी न किसी रूप में वह स्वीकार करती है और उन्हें वरदान देती है। इन सत्कर्म का फल जो है उन्हें अवश्य प्राप्त होते ही। इसलिए भक्तजन जो है इस माँ के दरबार में आकर के माँ की आराधना अर्चना पूजा करते हैं गुफा के अंदर इस पिंडी के रूप में माँ के दर्शन करते हैं और भगवत के मूल मंत्र द्वारा माँ की साधना माँ के नाम का जप करते हैं। उन परम तीनों देवियों की माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और जिन भक्तों पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है उनके जीवन में सदा सर्वदा सर्वत्र मंगल मंगल बना रहता है। तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल एक एक माला जप अवश्य करें। परंतु नवरात्रों में इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं उतना जप करना चाहिए क्योंकि जो भगवती विशेष दिन होते हैं और विशेष दिन में विशेष पूजा आराधना अर्चना जो करते हैं भक्तजन उसका जो है अक्षय फल होता है उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो आप सभी मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 सच्चद्रभारी की जय। तभी भजन की बेला हम निवेदन कर रहे हैं श्री मंदिर से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री मंदिर जय करा श्रवण सीधा बोल सच्चे दरबार की जय। हसा पहला पहला जग करवाया हसा पहला पहला जग करवाया के पुल चुक माफ करी हसा पहला पहला जग करवाया के पुल चुक माफ करी हसा पहला पहला जग करवाया के पुल चुक माफ करी हसा पहला पहला जग करवाया पुल चुक माफ करी ओ करी मेहर मेरे ते महामाया ओ करी मेहर मेरे ते महामाया हसा पहला पहला हसा पहला पहला जग करवाया के पुल चुक माफ करी ओ हसा पहला पहला जग करवाया के पुल चुक माफ करी हसा पहला पहला जग करवाया के पुल चुक माफ करी हसा पहला पहला जग करवाया के पुल चुक माफ करी ताले सभी हाथ खोल कर लगा गिले ताले नहीं ताली की आवाज माया के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्त जन
के सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर लीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मराठे पूरे करें, आपका जीवन खुशियों से भद्रकारी से। तेरे मंत्र न जानिए भोले भावनाल, भोले भावनाल, भोले भावनाल तैनु है मनाया, भोले भावनाल तैनु है मनाया के पुल चुक माफ करी। भोले भावनाल तैनु है मनाया के पुल चुक माफ करी। असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। ओ करी मेहर मेरे ते महामाया, ओ करी मेहर मेरे ते महामाया, ओ करी मेहर मेरे ते महामाया, करी मेहर मेरे ते महामाया के पुल चुक माफ करी। असा पहला पहला जाओ जाओ पहला पहला असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। ओ असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। ओ असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। ओ असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। ओ मेरे कोल माए शाली शरदा ते प्यार है, मेरे कोल खाली माए शरदा ते प्यार है, मेरे कोल माए खाली शरदा ते प्यार है, मेरे कोल माए खाली शरदा ते प्यार है। ओ तेरी सेवा विच मेरा सारा परिवार है, ओ तेरी सेवा विच मेरा सारा परिवार है, ओ तेरी सेवा विच मेरा सारा परिवार है, तेरी सेवा विच मेरा सारा परिवार है। मेरे कोल माए खाली शरदा ते प्यार है, मेरे कोल माए खाली शरदा ते प्यार है, माँ तेरी सेवा विच मेरा सारा परिवार है, तेरी सेवा विच मेरा सारा परिवार है, माँ तेरी सेवा विच मेरा सारा परिवार है, तेरी सेवा विच मेरा सारा परिवार है। दिल च माँ हो तैनू दिल च माँ हो तैनू दिल च माँ अपने बसाया के पुल चुक माफ करी। तैनू दिल च माँ अपने बसाया के पुल चुक माफ करी। असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। ओ जोता वाली नी तेरी जोत जगाई, जोता वाली नी तेरी जोत जगाई, जोता वाली नी तेरी जोत जगाई, जोता वाली नी तेरी जोत जगाई। मेरे जेना माने कर चाती तू भी पाई, मेरे जेना माने कर चाती तू भी पाई, ओ मेरे जेना माने कर चाती तू भी पाई, ओ मेरे जेना माने कर चाती तू भी पाई। ओ जोता वाली नी तेरी जोत जगाई, ओ जोता वाली नी तेरी जोत जगाई, ओ मेरे जेना माने कर चाती तू भी पाई, ओ मेरे जेना माने कर चाती तू भी पाई, ओ मां मेरे जेना माने कर चाती तू भी पाई, ओ मेरे जेना माने कर चाती तू भी पाई। ओ तेरा लख लख ओ तेरा लख लख ओ तेरा लख लख शुक्र मनाया के पुल चुक माफ करी। ओ तेरा लख लख शुक्र मनाया के पुल चुक माफ करी। ओ तेरा लख लख शुक्र मनाया के पुल चुक माफ करी। तेरा लख लख शुक्र मनाया के पुल चुक माफ करी। ओ असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। ओ असा पहला पहला जागा करवाया के पुल चुक माफ करी। ओ तेरे मंदरा च रोज हाजरी लगानिया, तेरे मंदरा च रोज हाजरी लगानिया, ओ तेरे मंदरा च
ਰੰਗ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਨੀ ਓ ਮਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਸਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਮਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਸਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਨੀਆਂ ਓ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਨੀਆਂ ਓ ਮਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਸਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਸਾਰੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਓ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਨੇ ਓ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਨੇ ਓ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਨੇ ਜਸ਼ ਤੇਰਾ ਗਾਇਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਓ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਨੇ ਜਸ਼ ਤੇਰਾ ਗਾਇਆ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਓ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਨੇ ਜਸ਼ ਤੇਰਾ ਗਾਇਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਓ ਤੇਰੇ ਚੰਚਲ ਨੇ ਜਸ਼ ਤੇਰਾ ਗਾਇਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਗ ਕਰਵਾਇਆ 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 ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਾਫ ਕਰੀ ਆਖੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਹੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਆਖੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਹੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਆਖੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਜੈ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਫੂਲੋਂ ਮੇ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ ਫੂਲੋਂ ਮੇ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਫੂਲੋਂ ਮੇ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਫੂਲੋਂ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਫੂਲੋਂ ਮੇ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਛਵੀ ਹੈ ਲਾਗੇ ਹੈ ਮਨ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਛਵੀ ਫੂਲੋਂ ਮੇ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਫੂਲੋਂ ਮੇ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਫੂਲੋਂ ਮੇ ਸਜ ਰਹੀ ਚਮ ਚਮ ਚਮਕ ਰਹਾ ਹੈ ਮਾਥੇ ਤੇ ਮੁਕਟ ਮਾਂ ਕੇ ਬੁੱਧ ਹੀ ਖੋ ਗਈ ਹੈ ਜਬ ਸੇ ਛਬੀ ਨਿਹਾਰੀ ਬੁੱਧ ਹੀ ਖੋ ਗਈ ਜਬ ਸੇ ਛਬੀ ਨਿਹਾਰੀ ਫੂਲੋਂ ਮੈਂ ਸਜ ਰਹੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਫੂਲੋਂ ਮੈਂ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਛਵੀ ਹੈ ਲਾਗੇ ਹੈ ਮਨ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਛਵੀ ਹੈ
लागे है मन को प्यारी, फूलों में सज रही है हाथों में लाल मेहंदी, मेहंदी चूड़ा भी लाल माँ का, हाथों में लाल मेहंदी चूड़ा है लाल माँ का, है लाल लाल चोला मन मोर जहाँ का, है लाल लाल चोला मन मोर जहाँ का, हाथों में लाल मेहंदी चूड़ा भी लाल माँ का, हाथों में लाल मेहंदी चूड़ा है लाल माँ का, है लाल लाल चोला मन मोर लाल चुनरी, स्वर्णिम लाल चुनरी उस पर लगी किनारी, स्वर्णिम लाल चुनरी उस पर लगी किनारी, फूलों में सज रही है माँ मेरी शेरों वाली, फूलों में सज रही है माँ मेरी शेरों वाली, ममता भरी छवि है लागे है मन को प्यारी, ममता भरी छवि है लागे है मन को प्यारी, फूलों में सज रही है चुन चुन के कलियां जिसने, जिसने मंदिर तेरा सजाया, चुन चुन के कलियां जिसने मंदिर तेरा सजाया, हीरे व मोतियों से क्या खूब है सजाया, हीरे व मोतियों से क्या खूब है सजाया, चुन चुन के कलियां जिसने मंदिर तेरा सजाया, उन हाथों के मैं सदके, अरे उन हाथों पे मैं वारी, उन हाथों के मैं सदके, उन हाथों के मैं वारी, फूलों में सज रही रही है माँ मेरी शेरवारी, फूलों में सज रही है माँ मेरी शेरवारी, ममता भरी छवि लगे है मन को प्यारी, ममता भरी छवि है लगे है मन को प्यारी, फूलों में सज रही बजरंगी आगे आगे आगे, हाथों में ध्वज उठाए बजरंगी आगे आगे, हाथों में ध्वज उठाए, पीछे है भैरव बाबा माँ को चमर डुलाए, पीछे है भैरव बाबा माँ को चमर डुलाए, बजरंगी आगे आगे हाथों में ध्वज उठाए, बजरंगी आगे आगे हाथों में ध्वज उठाए, पीछे है भैरव चमर डुलाए, पीछे है भैरव बाबा चमर डुलाए, हाथों भुजाओं में हाथों भुजाओं में माँ अस्त्र शस्त्र धारी, हाथों भुजाओं में माँ अस्त्र शस्त्र धारी, फूलों में सज रही मेरी शेरवारी, फूलों में सज रही है माँ मेरी शेरवारी, ममता
हरी छवि है, लागे है मन को प्यारी, समता भरी छवि है, लागे है मन को प्यारी, प्यारी फूलों में सज रही भरी छवि है, लागे है मन को प्यारी, ममता भरी छवि है, लागे है मन को प्यारी, 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 फूलों में सज रही है जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी अगला भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जय करा शेरों वाली जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। बाधे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाधे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपनी दया का हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मां देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बहुत बड़ा एहसान किया माँ, बहुत बड़ा एहसान किया माँ, बहुत बड़ा एहसान किया, तू है अम्बे तू है काली, हमने तुझे पहचान लिया माँ, हमने तुझे पहचान लिया माँ, हमने तुझे पहचान लिया माँ, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया माँ, बहुत बड़ा एहसान किया माँ, बहुत बड़ा एहसान किया, तू है अम्बे तू है काली, हमने तुझे पहचान लिया माँ, हमने तुम्हें पहचान लिया, हमने तुम्हें पहचान लिया, जन्म जन्म तक साथ रहोगी, जन्म जन्म तक साथ रहोगी, रख लो हमारी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपनी दया का हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मां देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मां देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मां देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मां तेरे चरणों की धूली धन दौलत से प्यारी है माँ, धन दौलत से प्यारी है माँ, धन दौलत से प्यारी है, एक नजर कृपा की दाती इज्जत शान हमारी है माँ, इज्जत शान हमारी है माँ, इज्जत शान हमारी है माँ, तेरे चरणों की धूली धन दौलत से प्यारी है माँ, धन दौलत से प्यारी है, धन दौलत से प्यारी है, एक नजर कृपा की दाती इज्जत शान हमारी है माँ, इज्जत शान हमारी है माँ, इज्जत शान हमारी है, मेरे जीवन में माँ कर दो, मेरे जीवन में माँ कर दो अपनी दया का हाथ, तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, माँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, माँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, माँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाती हो माँ, अपने गले लगाती हो माँ, अपने गले लगाती हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराती हो, जो देने से घबराती हो, जो देने से घबराती हो माँ, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाती हो माँ, अपने गले लगाती हो माँ, अपने गले लगाती हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराती हो, जो देने से घबराती हो, जो देने से घबराती
जन्म गाजा ओ मेरे सिर पर रख दो मैया मेरे सिर पर रख दो मैया अपनी दया का हाथ देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ जुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की चैया कर दे तू प्यार की चैया कर दे तो प्यार की चैया कर दे तो बिनमा जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू माया पतवार पकड़ ले तू माया पतवार पकड़ ले तू मौजूद से रहे हैं गम की धूप में प्यार की चैया कर दे तू प्यार की चैया कर दे तू प्यार की चैया कर दे बिनमा जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले पतवार पकड़ ले तू पतवार पकड़ ले तू मेरा रास्ता रोशन कर दो मेरा रास्ता रोशन कर दो छाई अंधेरी रात देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दा ओ मेरे सिर पर रख दो मैया मेरे सिर पर रख दो मैया अपनी दया का हाथ देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ 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 हमा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय मैं अम्बे तेरे चरणों में जीवन गुजार दूं अम्बे तेरे चरणों में जीवन गुजार दूं मैं अम्बे तेरे चरणों में जीवन गुजार दूं अम्बे तेरे चरणों में जीवन गुजार दूं भोली सी सूरत पे मैं तन मनवार दूं भोली सी सूरत पे मैं तन मनवार दूं मां भोली सी सूरत पे मैं तन मनवार दूं भोली सी सूरत पे मैं तन मनवार दूं ओ भक्तों को भक्तों को भक्तों को दर्श दिखाया करो जी कभी घर में हमारे आया करो जी कभी घर में हमारे आया करो जी कभी घर में हमारे आया करो जी कभी घर में हमारे माँ आया करो जी कभी घर में हमारे आया करो जी कभी घर में हमारे छोटी छोटी कंजकों में तेरे रूप सजते छोटी छोटी कंजकों में तेरे रूप सजते छोटी छोटी कंजकों में रूप तेरे सजते छोटी छोटी कंजकों में रूप तेरे सजते माँ रूप तेरे सजते रूप तेरे सजते रूप तेरे सजते माँ रूप तेरे सजते ओ दाती तेरे मंदिरों में ढोल गाते बजते दाती तेरे मंदिरों में ढोल गाते बजते माँ कंजकों में कंजकों में कंजकों में खुशियाँ मनाया करो जी कभी घर में हमारे आया 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 करो जी कभी घर में हमारे जयकारा शेरों वाली जी का दरबार की जय आरोढ़ भ्रमत जगणे दक्षिणे चक्षोत्र बाणे हस्त दिभ्यं कणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं साधना भदन्ते स्वकर्कजपे शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडन्त दिभिरूप करकमलधर भारती सुप्रसन्न सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवाद 2076
उत्तरोत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 27 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज चतुर्थी तिथि ही मंगलवार तदनुसार 9 अप्रैल सन 2019 के दिन प्रातः काल आर्थिक समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतया बसंत नवरात्र के चतुर्नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होते रहे। माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और भगवती के आशीर्वाद से आपके हृदय में माँ वैष्णो देवी की भक्ति अविचल भक्ति जो है जे बनी रहे और आप जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त हो। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान जसस्वी भव प्रज्ञा भाने भव भूरि भूत करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री संवर पाद पुनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्रेणाम उदयस्त शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानम हीयते धनं धान्यं पशुं भूपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्त दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना ताली जाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करिणी मैया जय आनंद करिणी तुम को निष्ठ दिन जावत मैया जी को निष्ठ दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय सम्राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शंकर शंकर धाम
मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना निज दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी संगम संहार शांत हरे मैया शोभित बीज हरे मधु कैटव गो मारे सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया वर मुद्राधारी ओ मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवास फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी मैया जी को माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र साहित्य शास्त्र वेद नीति शास्त्र तथा कर्म कांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सचंडी महायज्ञ के आचार्य प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से कि वह भक्तों को आज बसंतिक नवरात्रों के इस अवसर पर जो है चौथे नवरात्र के इस अवसर पर माँ कुशमांडा देवी का महत्व बतलाते हुए भक्तों को अपने आशीर्वचनों द्वारा लाभान्वित करें परम श्रद्धा गुरु जी। अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंज वर्ण कर कमल धृतेष्टा भीति युग्मांबुजाच
मणिमुकुट विचित्र अलंकृता पद्मजालै सकल भुवन माता संततम शिशुयेन परम समादरणीय यहाँ के प्रशासक यज्ञ के प्रधान यजमान श्री नरेश कुमार शर्मा जी सपत्नीक सभी विद्वज्जन श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन आज चतुर्थ नवरात्र के अवसर पर आपका इस सिद्ध पीठ पर अभिनंदन आपका स्वागत। आज आप चतुर्थ नवरात्र के अवसर पर भगवती मां का जो चौथा स्वरूप है कूष्मांडा का उसके दर्शन कर रहे हैं। कूष्मांडा इनको क्यों कहा गया? अंड होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का सृजन करने के कारण, ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण से इनको कूष्मांडा कहा जाता है। और जिस समय संसार में कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, इन्हीं देवी ने संसार की रचना की थी और उसी समय से इनको कूष्मांडा कहा जाना लगा। भगवती वैष्णवी का जो निवास सूर्य मंडल के भीतर का जो लोक है उस लोक में ये रहती हैं और उसी की तरह और उसमें दिव्य कांति से युक्त और बहुत प्रभावशाली देवी मानी जाती हैं। सूर्य मंडल में और भी किसी के रहने की सामर्थ्य नहीं है, केवल इन्हीं मां में है। और ये सिंह वाहिनी है, चतुर्भुजा हैं, अष्टभुजा हैं, आठों भुजाओं में से सात भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्मादि लिए हुए हैं और जो आठवीं भुजा है, आठवां हस्त है, उसमें आठ सिद्धियां और नौ निधियां ली हुई हैं। आठ सिद्धियां कौन कौन सी हैं आप जानते होंगे, बहुत बार बतलाया जा चुका है। अणिमा है, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। उसके बाद नौ निधियां हैं, आप पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो नवनिधियां कौन सी हैं? निधि का अर्थ होता है खजाना, तो वो नवनिधियां कौन सी हैं? महापदम, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद और नील। महापदमश्च पदमश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च खरवाश्च निधियो नव। ये नौ प्रकार की निधियां जो है वो कही गई हैं और वो भी इनके पास विद्यमान है। संस्कृत में जो पेठा होता है उसको कूष्मांड कहते हैं, कूष्मांड शब्द का अर्थ पेठा होता है। तो पेठे की बलि इनको बहुत प्रिय है, कुम्हरे की बलि बहुत प्रिय है और कुम्हरे की बलि प्रिय होने के कारण से भी इनको कूष्मांडा कहा जाता है। मैं ये कहूंगा कि बहुत से भक्त जो हैं वो मां के आगे अपने अपने इष्ट आराध्य के आगे बैठते हैं और कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उसके बाद ऐसी प्रथा कई बार आई है कि बलिदान की प्रथा आई है। बलिदान किसका करना चाहिए? सर्वप्रथम यदि हम अपने भगवान के आगे इष्ट के आगे बैठे हुए हैं और वहां पर यदि सर्वप्रथम हमें बलिदान करना है तो आत्मा का बलिदान करना है। आत्मा का बलिदान करने का मतलब क्या है कि आत्मा काट कर चढ़ा देना। चढ़ाने का मतलब ये नहीं भी दराती से काटना है या छुरे से काटना है, बल्कि उस भगवान के साथ साजुज्य प्राप्त करना है, अर्थात जो भगवान है वही मैं हूं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। देवो भूत्वा देवम जयेत, देवता बनकर के देवता की उपासना करनी चाहिए। और जिस समय देवता में मेरा और तेरा भाव रहता है
कि ये देवता है और ये मैं हूं, तब तक पूरी आराधना नहीं हो पाती। जब उस देवता में एक ही हो जाता है, जो ये देवता है वही मैं हूं। अब चावलों से और तेल को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन जल को जल में मिला देंगे तो जल को उसको अलग कैसे किया जा सकता है। इसलिए आप ऐसी भावना, ऐसी बात करें कि अपनी आत्मा जो है वो उस पर चढ़ा दें, कि बस ये जो है उसमें जो दास भावना है, दास भावना तब तक हमारी थी जिस समय तक वो देवता थे और मैं था। जिस समय दास में से जो द अक्षर जो है वो चला गया और सदा सोहम में से जो सोहम केवल रह गया, तो अब भगवान में और आप में कोई किसी प्रकार का अंतर जो है वो नहीं रहेगा। इसलिए अपना आप भगवान को समर्पित कर दें। ये पहला बलिदान है, सबसे उत्तम कोटि का बलिदान है, बहुत कम लोग इस बलिदान को कर पाते हैं। दूसरे प्रकार का बलिदान क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, इनका बलिदान कर देना, ये दूसरी कोटि का बलिदान है। तीसरी कोटि का बलिदान क्या है? तीसरी कोटि के बलिदान में आता है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवती की पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत सी अच्छी चीज चढ़ी हुई है, आपका दिल करता है भी ये चीज मैं प्राप्त कर लूंगा या प्राप्त कर लूंगी, उस चीज को छोड़ देना, उसका त्याग कर देना, उसका बलिदान कर देना, ये तीसरी कोटि का बलिदान है। और यदि बलिदान करना ही है तो हिंसा क्यों करनी है हमें? पशुओं की बलि क्यों करनी है? हम बलिदान करें, हम पेठे का बलिदान करें, किसी फल का बलिदान करें, किसी गन्ने का बलिदान करें, और भी यदि पशु रूप में ही किसी की बलि करनी है, आटे का पशु बना करके उसकी बलि चढ़ा दें, मतलब हिंसा के लिए जो बलिदान करना है ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए माँ भगवती के दरबार में आप आए हैं, और ये कुम्हरे की बलि जो है वो भगवती माँ को सर्वप्रिय है, और सर्वप्रिय होने के कारण से ये एक उत्तम कोटि का बलिदान भी जो कहा जा सकता है। लेकिन पहली कोटि का बलिदान आत्म बलिदान, दूसरी कोटि का बलिदान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, और तीसरी कोटि का बलिदान जो है वो अपने जो प्रिय वस्तु है उस प्रिय वस्तु को भगवान वहां से न लेना, उसको छोड़ देना वहीं पर। और चौथी कोटि का बलिदान जो है वो यह है कि हम किसी फल की बलि दें, हम किसी गन्ने की बलि दें, हम किसी अन्य पेठे की बलि दे दें, इस प्रकार के बलिदानों से हम आगे बढ़ना चाहिए। जब माँ भगवती भक्त पर प्रसन्न होती है और उस समय दीर्घायु, बुद्धि, विद्या, ऐश्वर्य जो है वो उसको देती है। जिस अब आज चौथा नवरात्र है, भक्तों की भावना, भक्तों की भक्ति, भक्तों की उपासना, जप, पूजा, पाठ दिन प्रतिदिन ऊपर ऊपर उठते जा रहे हैं, अर्थात अग्रसर होते जा रहे हैं, उनकी भावना परिपक्व होती जा रही है, उनकी भक्ति परिपक्व होती जा रही है, और इस भावना के अनुसार भक्त को भगवती का आशीर्वाद प्रतीत होना प्रारंभ हो जाता है, भगवती के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। इन आंखों से तो नहीं, लेकिन उसको आभास होने लग पड़ता है कि भगवती मेरे आसपास में है, भगवती साक्षात है। अपनी भावनाओं को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। और मैं एक इस समय विशेष रूप से ये बात कहना चाहूंगा, हमारे तो ये कहा है कि अच्छे पुत्र, अच्छी पुत्रियां जब पैदा होती हैं, अच्छी संतान जब पैदा होती है, तो वो वंशों को, खानदान को, अपने गांव को, नगर को, राष्ट्र को आगे बढ़ा देने वाली होती है। लेकिन अच्छी संतान बनती कैसे है? पुण्यतीर्थे कृतम येन तपः क्वाप्यति दुष्कृतम तस्य पुत्रो भवेद् वश्या समृद्धो धार्मिका सुधी। जिसने बहुत पुण्य तीर्थों पर जाकर के, अच्छे स्थान पर जाकर के, या घर में ही या मंदिरों में बहुत बड़ी भारी तपस्या की हो, उसके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, उसके पुत्र वश अपने वश में रहने वाले होते हैं, उसके पुत्र विद्वान होते हैं, और उसके पुत्र समाज की रक्षा करने वाले होते हैं। अगर अच्छी संतान की कामना करते हैं तो आपको तपस्या करना ही पड़ेगी। और हमारी जो संतानें हैं उनमें कोई किसी प्रकार की कोई व्यसन, दुर्व्यसन ना आ जाए, और दुर्व्यसन यदि संतान में आएगा तो वो हमारी एक परंपराएं जो हैं, हमारी पीढ़ियां जो हैं, वो अव्यवस्थित हो जाएंगी।
इसलिए जो हमारे युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग समाज का संरक्षण करने वाले बने, युवा वर्ग आगे बढ़े और युवा वर्ग में कोई किसी प्रकार की एक दुर्व्यसन की बात ना आए। यदि किसी में हो तो दुर्व्यसन को छोड़ देना चाहिए। यदि एक युवक में यदि किसी प्रकार का दुर्व्यसन लगता है वो पूरे परिवार को फिर वो खराब करता है। इसलिए मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूंगा, सभी शिक्षकों से, सभी गुरुजनों से, सभी महात्माओं से, सभी एक आध्यात्मिक गुरुओं से और सभी शासन करने वाले लोगों से भी कि भाई दुर्व्यसन जो है वो हमारा दूर हो जाना चाहिए ताकि हमारे युवा स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों और बुद्धिजीवी हों और ये समाज का संरक्षण करने वाले बने। इस शुभ अवसर पर आज चतुर्थी तिथि है, चौथा नवरात्र है, चतुर्थी तिथि के उपासक भगवान, चतुर्थी तिथि के देवता जो हैं वो भगवान गणेश हैं और गणेश की पूजा करने के लिए पुजारी जी ने सर्वप्रथम गणेश पूजन किया, उसके बाद भगवती की पूजा की। गणेश पूजन आप सभी करते हैं लेकिन उससे जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं उन शिक्षाओं को प्राप्त कर लेना चाहिए। और मैंने हो सकता है बहुत बार बतलाया हो, आपने सुना भी हो, लेकिन दुरुक्ति दारिद्र सूचिका बार बार किसी प्रकार की बात को बतलाना दृढ़ता जो सूचक होती है और वो बुद्धि में दिमाग में बात बैठ जाती है। इसलिए भगवान गणेश का आधा शरीर मनुष्य का शरीर है और ये ऊपर का शरीर जो है ये हाथी का सिर है। केवल आप मैं संक्षिप्त से कहूंगा कि इससे आपने क्या शिक्षाएं लेनी है और किस प्रकार की शिक्षाओं को, ये शिक्षा केवल मैं अपने आपको तक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर श्रद्धा चैनल के जो लोग हैं ये दिन प्रतिदिन उन शिक्षाओं को पूरे विश्व में बतला रहे हैं, जहाँ तक इनकी पहुँच है वहाँ तक ये शिक्षाएं जाती हैं और इनको भी इस प्रसारण का पुण्य जो है वो भागी होना पड़ता है, पुण्य का भाग मिलता है। शिक्षाएं क्या है, गणेश का जब पूजन करते हैं सर्वप्रथम तो आप सबसे पहले ये सिर से क्या शिक्षा लेनी है, सिर से ये शिक्षा लेनी है कि हम कभी किसी के साथ सिर भिड़ा करके ना रहें। अर्थात हाथी जो होता है, हाथी का सिर है गणेश का, तो हाथी कभी किसी दूसरे के साथ भिड़ता नहीं है और यदि हम सिर भिड़ाना छोड़ देंगे तो जीवन में हमारे किसी प्रकार के विघ्न नहीं आएंगे और हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि मस्तिष्क विशाल है, बड़ा मस्तक है, तो बड़े मस्तक का मतलब यह है कि संकुचित भावनाएं न रखें, एक छोटी मोटी भावना रख कर करके और अपने एक जिस प्रकार का कुंभ मंडूक होता है, कुंभ में एक मेंढक होता है वो इधर से उधर छलांग लगाता है, उधर से उधर छलांग लगाता है, वो सोचता है भी सारा संसार यही है, हम इतनी इस प्रकार की बात ना करें, विशाल मस्तिष्क बनाएं और अपनी जहीं कहीं की भी कोई सोच है वो एक समाज के योग्य सोच हो, हमारी उन्नति के लिए सोच हो, परस्पर मैत्री संवर्धन की सोच हो और अपनी उन्नति की सोच हो, इस प्रकार की सोच बनाएं और बड़ा विशाल मस्तिष्क रखें, छोटा मस्तिष्क ना रखें। उसके साथ साथ हाथी के या गणेश भगवान के बड़े बड़े कान हैं, इनमें सब कुछ सुने, निंदा चुगली आदि सब कुछ सुने, लेकिन जो भी करना है वो बुद्धि से विचार करके इस प्रकार के काम को करें। उसके बाद गणेश की जब हाथी की आंखें हैं, संसार में एक ही प्राणी ऐसा है हाथी जिसकी आंखें अपने से दूसरों को बड़ा देखती हैं और ये हाथी से अर्थात गणेश पूजन से आपने ये गुण लेना है कि मैं सभी लोग जो है मेरे से बड़े हैं, अपने से सबको बड़ा समझें और जब अपने से किसी दूसरे को बड़ा समझेंगे तो अपने जीवन में किसी प्रकार के विघ्न जो है वो नहीं आएंगे। और ये निश्चित बात है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है कुछ भी है, उसमें कोई एक विशेष खासियत होती है, विशेषता होती है, इसलिए अपने से दूसरे लोगों को हमेशा बड़ा समझें और जो दूसरों को बड़ा समझता है अपने से उसके जीवन में कभी विघ्न बाधा नहीं आती है। उसके बाद अपना नाक जो है वो एक इस प्रकार हाथी का नाक, हाथी का मतलब गणेश जी का नाक बहुत लंबा है, अपनी सोच बहुत लंबी रखें, अपना जो लक्ष्य है अपना जो इरादा है वो बहुत बड़ा रखें, छोटी सोच रख कर करके मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ता नहीं है, उद्योग नहीं करता है, उसके लिए प्रयास नहीं करता है। बहुत बड़ी सोच होगी तो मनुष्य हर समय प्रयासशील रहेगा और प्रयत्न करेगा और उसके बाद फिर वो उस मुकाम तक, उस स्थान तक, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे बुजुर्ग, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को जब काम के लिए भेजते हैं, जाओ बेटा ये काम करके आना, कहीं नाक नहीं कटवा देना, तो नाक कटवाने का मतलब जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उस काम का विशेष प्रकार से ध्यान रखना, ये गणेश जी के नाक से हमें ये प्राप्त करना है। उसके बाद
हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और ये यदि आपका कोई प्रतिरोधी है, आपका कोई वास्तव में मान लो कि कोई शत्रु है, कोई विरोधी है, तो उसको भी हंस करके कुछ बतलाते चलिए। और यदि आप शत्रु के पास से गुजर रहे हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा करके चलते जाइए, वो सोचेगा भी देखो मैं तो सोच रहा था इसके साथ मैंने किसी प्रकार की बुराई करनी है, लेकिन मैं बुराई क्यों करूँ, ये तो हंस करके चल रहा है। इसलिए अपने दांत उसको इस प्रकार से बतलाते रहे ताकि हृदय में उसको ही जी रहे और शत्रु फिर इस प्रकार की कोई आक्रमण जो है वो आप पर नहीं करेगा। दांतों के अंदर ये 32 खंभों का किला जो है बड़ा हुआ है और इसके अंदर एक क्या रहती है, जीभ रहती है। ये सबसे बड़ा भयंकर काम करती है, लोग गाली निकाल देती है, उल्टा सीधा कुछ कह देती है और उसके बाद खुद अंदर चली जाती है। आपने कभी देखा होगा जीभ को कभी मार किसी से नहीं पड़ी। और इसलिए स्वामी तुलसीदास ने भी ये कहा है कि तुलसी अपने राम को भजन करो निसंक, आदि अंत निवाही के जैसे नव को अंग। तो ये अपने उसका जो बात करनी है, नहीं उसके ये तो मैं एक बोल गया हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इस बात को आपको बाद में दोबारा किसी दिन और फिर कहूँगा। उसने कहा कि रहिमण जिब्भा बामरी कह गई स्वर्ग पताल, कही करी तो भीतर गई जूते खाए कपाल। जीभ कह देती है, गालियां निकाल देती है, उल्टा सीधा कह देती है और जूते जो है वो कपाल पर पड़ते हैं। इसलिए अपनी हाथी की जीभ और गणेश भगवान की अर्थात हाथी की जीभ जो है वो जहाँ से लेकर पीछे की ओर गई हुई है, यदि उससे आप शिक्षा प्राप्त करें गणेश पूजन से, तो ये शिक्षा मिलती है कि अपनी जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए, अपनी जीभ उल्टी कर देनी चाहिए ताकि हमसे कोई अव्यवस्थित बातें ना निकलें। उसके बाद ये बड़ा पेट है, इस पेट में निंदा चुगली आदि सब कुछ इसमें समा जाए। ये नहीं कि छोटी सी बात किसी से कोई बात कही, किसी ने कोई गलत बात भी कह दी, हो कर कर करके इस प्रकार का ऐसा ढिंडोरा पीट दिया जिससे कि एक गलत एक संदेश जो है वो लोगों को जाता है। विचार करके और पहले पेट में इस प्रकार की ऐसी बात रखें और निंदा भी सुनी है, चुगली भी सुनी है, सब कुछ सुना है और बुद्धि से उस प्रकार की बात का विवेचन करें आगे जा करके। उसके बाद अब एक चीज रहती है, भगवान गणेश का जो वाहन है, इतने बड़े गणेश भगवान और छोटा सा चूहा उनका वाहन बना है। ये भगवान गणेश ने एक आप हम सबको एक एक दिग्दर्शन दिया है, एक दिशा निर्देश दिया है कि यदि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो चूहा जो होता है क्या होता है, ये चंचल होता है बहुत, और चंचलता पर जब तक हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, चंचलता को नहीं दबा पाएंगे, हमारा काम सिद्ध नहीं होगा। आप जप करना बैठ जाइए, पूजा करना बैठ जाइए, किसी शास्त्र का अभ्यास करना बैठ जाइए, किसी काम में लग जाइए और यदि चंचलता आप में है कभी इधर, तो वो काम में सिद्धता नहीं आती है, काम अव्यवस्थित होता है, काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए चूहे से अर्थात भगवान गणेश ने सबसे पहले जो चंचलता को दबाया है, उन्होंने जो हमको मार्ग दिखाया है कि आप सबसे पहले मन की चंचलता को दबाएं और उसके बाद सब प्रकार के कार्य आपके सिद्ध होंगे। ये इस प्रकार से यदि आप जीवन में चलते हैं और भगवान गणेश से भी प्रार्थना करते हुए भगवती माँ की आराधना करते हैं तो ये निश्चित ही आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो लोग इस समय कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, कई प्रकार के एक असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं, उनको भी ये चाहिए कि भगवती के जो दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का यथाविधि का प्रयोग करना चाहिए। एक मंत्र है कैंसर के लिए, असाध्य रोग के लिए, एड्स के लिए, और इस असाध्य रोगों को दूर करने के लिए मंत्र सभी विद्वज्जन उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन उसमें ये देखना है कि मंत्र क्या है। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानभिष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता जाश्रयतां प्रयान्ति। कोशिश करें कि भाई मंत्र का जप करते करते मंत्र का अर्थ भी जो है वो आपको ध्यानगम्य होता चले। रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा, हे माँ, हे जगज्जननी जगदम्बा, जो आप तुष्ट होती हैं, आप प्रसन्न होती हैं तो सब प्रकार के रोगों को आप नष्ट कर देती हैं। रुष्टा तु कामान सकलानभिष्टान, यदि आप रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं तो हमारे जितने भी मनोविलसित काम हैं उन सबको नष्ट भी कर देती हैं।
त्वाम आश्रितानां न विपन्नराणां, जो आपकी आश्रय में चले जाते हैं उन पर कोई किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है, और त्वाम आश्रिता झा सहिताम प्रयान्ति, आपके आश्रय में जो लोग आते हैं और वो दूसरे लोगों को भी आश्रय देने वाला देने वाले बन जाते हैं। और इस प्रकार की ये आराधना इस मंत्र के माध्यम से करें, और यदि आपने सवा लाख इसका जप किया या सवा लाख इसका पाठ किया या कुछ भी किया, उसके बाद यदि इसका हवन करना हो भगवती को प्रसन्न करने के लिए और रोगों को दूर करने के लिए, गिलो होती है, गिलो उसको हम गुरुची भी बोलते हैं और गिलो भी बोलते हैं, गिलो की समिधाओं को घी में भिगो करके हवन कर देने से असाध्य रोग भी जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवती जो है उसने सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, पूरे विश्व की कल्याण के लिए कई प्रकार के मंत्र दिए हुए हैं। उन मंत्रों का साक्ष्य करना, उनका पाठ करना, पूजा करना, लेकिन विधि विधान से, केवल एक जगह पर हम बैठ करके उस विधि से ना जाएंगे। अगर एक लिफाफे पर किसी का एड्रेस नहीं लिखा हुआ होगा और उस लिफाफे को हम भेज देंगे, वो लिफाफा ना मेरे पास आएगा ना दूसरे के पास जाएगा। इसलिए उसके प्रतिज्ञाओं के माध्यम से और जो उसकी जो विधि है उस विधि के माध्यम से यदि आप बात करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और भगवती माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके कार्यों को भगवती वेष्ट भी सिद्ध करे। अभी पुजारी जी आरती करने वाले हैं और इस आरती में कुष्मांडा भगवती का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अपने मनोवलक्षित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करें। मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको कहूंगा, ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धताम पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वन् वर्धयस्व सत्याः सन्तु जयमानस्य कामाः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तव क्षीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं, आरती का आनंद लीजिए। धन्यवाद।
भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरे, आप सबकी
हाजिरी कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सत्य बिखरी बिखरी आवाज थी। सबको आरती का आनंद आया, सबको आया, किसी को आ रहा किसी को नहीं आया, सभी को आरती का आनंद आया। देखिए आना भी चाहिए। आचार्य जी ने आपको इतने सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिए, इतने अच्छे प्रवचन दिए, ताकि आप ऐसे ऐसे रास्ते बताएं, ताकि आप माता रानी जी को पाने की राहें आपकी आसान हो। तो फिर उसी जोश के साथ जो आज जहां पे आपने बैठ के आनंद लिया, जहां पर बैठ के तप किया, ऐसा जयकारा बोलिए कि हमारे पूरे देश में ऐसे गुफा से होता हुआ, माँ से आशीर्वाद लेता हुआ पूरे देश में ऐसे फैले, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जाए, आशीर्वाद लेके हर ओर तरक्की हो, खुशियां हो। बोलो सच्चे नारी जय, बोलो सच्चे नारी जय, बोलो सच्चे नारी जय, आशीर्वाद जय माता दी। नमस्ते 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 नमस्ते
आशीर्वाद सारे इकट्ठे जय 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 जय